विजिलेंस की जांच पड़ गई सुस्त, क्या होगा इस भर्ती घोटाले का, पूरी खबर क्या इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको याद हो कि काफी समय पहले, कुछ समय पहले विजिलेंस ने एक भर्ती घोटाले की जांच की थी, वो थी उत्तराखंड में जो है एसआई भर्ती की। तो विजिलेंस की जांच सुस्त पड़ी, कार्रवाई अटकी। तो यहां पर पूरी खबर क्या है आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। तो 2015-16 की, जी हाँ, आप देख सकते हैं दरोगा भर्ती घोटाले मामले में 20 दरोगाओं पर कार्रवाई भी हुई थी, विजिलेंस की जांच उसके बाद सुस्त पड़ गई है। जी हाँ, आपको याद होगा उन 20 दरोगाओं की पूरी लिस्ट भी आई थी, कौन कौन से दरोगा हैं, ठीक है। उसके बाद ये जांच सुस्त पड़ गई, और क्यों सुस्त पड़ गई, कैसे पड़ गई, अभी तक ना आता है ना पता है, क्योंकि उत्तराखंड में सब कुछ लापता है। आगे बढ़ते हैं। तो जांच के बाद 16 जनवरी 2000 को पुलिस विभाग ने इन आरोपित दरोगाओं को निलंबित भी कर दिया था। आरोप है कि कुछ दरोगा मोटी रकम देकर तो कुछ फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पुलिस में भर्ती हुए थे। इस मामले में कुछ अन्य दरोगाओं पर भी गाज गिरने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन जांच सुस्त पड़ने से आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं जो है उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग की ओर से कराई गई विभिन्न परीक्षाओं में से एक ये भी थी। इसी मामले में जो है नकल माफियाओं का भी इसमें जो नाम सामने आ रहा था, और लगभग आप देख सकते हैं विजिलेंस ने अब तक 12 लोगों को यहां पर आरोपित बनाया था। इसमें से कई ऐसे नाम भी हैं जो आपको रिसेंट टाइम में बीडीओ बीपीडीओ समेत तमाम जो भर्ती घोटाले हैं, वन दरोगा सचिवालय, उसमें जो है यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। सबसे बड़ी बात है कि गढ़वाल में 210 और कुमाऊं में 129 लोग जो है दरोगा बने थे। इसमें महिलाओं की भी संख्या यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स के बीच में पते। तो दरोगा भर्ती में कुछ 339 युवा उत्तीर्ण थे, जिसमें गढ़वाल से 210, कुमाऊं से 129 अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल हुए थे, और 40 से लेकर 35 दरोगा मोटी रकम देकर उत्तीर्ण होने का यहाँ पर संदेश है। विजिलेंस सभी की कुंडली जो है यहाँ पर खंगाल रही है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जांच सुस्त पड़ गई है, कहीं ना कहीं काफ़ी सवाल अब धीरे धीरे उठने लगे हैं। डीजीपी ने जो है इसकी जांच की सिफारिश की थी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस विभाग ने जो है भर्ती पर सवाल उठने के बाद पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने 26 अगस्त 2022 को शासन को पत्र भेजकर दरोगा भर्ती घपले मामले में जो है जाँच के आदेश की मांग की थी, और यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी ने इसकी जाँच के भी आदेश जो है विजिलेंस को दे दी थी। और धीरे धीरे जांच हुई, उसके बाद कई सामने ऐसी चीजें आई जिसको देखकर आप चौंकने रह जाएंगे, और 20 दरोगाओं को सस्पेंशन लेटर भी थमा दिया गया था। उसके बाद मालूम चला था कि जांच और तेजी से आगे बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए जो बड़ी खबर है कि जांच सुस्त पड़ गई है। तो इसी संबंध में आप देख सकते हैं अमित सिन्हा जो कि डायरेक्टर विजिलेंस है, उन्होंने क्या कहा है कि दरोगा भर्ती मामले की जांच चल रही है, कुछ दरोगाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है, जबकि जल्द ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। अब कार्रवाई कब होगी, जल्द होगी, कब होगी, देरी से होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी खबर यही है कि विजिलेंस की जांच पड़ी सुस्त, कार्रवाई अटकी। तो इस तरह से यार पूरे उत्तराखंड में सारे मामले भर्ती घोटालों के चल रहे हैं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।